गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर क्लाइमेट होते हैं, जैसे माउंटेन्स में आपका ठंडा वेदर है, राजस्थान में आपका हॉट है, और समर बीचेस में वहाँ पर कैसा है, आपका टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है। फिर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, राजस्थान में कैमल है, आपका ओशंस में क्या है, फिशेस है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं, फिश की बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन है, कैमल में कैसे हैं, उनके लॉन्ग लेंस है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं डेजर्ट के ही एनिमल्स के बारे में। और डेजर्ट में और कौन से दो एनिमल्स हमने पढ़े थे, डेजर्ट में एक है आपका रेड, दूसरा है आपका स्नेक। तो जैसे कैमल ने, कैमल के लॉन्ग लेंस की वजह से कैमल क्या कर रहा था, जो भी सैंड की जो हीट थी वो अपनी बॉडी से रिमूव कर पा रहा था, पर इनके पास तो लेग्स है नहीं, स्नेक के पास तो लेग्स है नहीं, क्यों, क्योंकि डेजर्ट में जो आपका डे टाइम है, डे टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब डे टाइम में वेरी हॉट रहता है, और रात के टाइम पे मतलब नाइट टाइम पे वेरी कोल्ड होता है। समर में डे टाइम में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रात के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये जो एनिमल्स आपके रेड और स्नेक, ये क्या करते हैं, ये गड्ढा खोदते हैं अर्थ के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, डीप बरो, और क्या करते हैं, रात दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गड्ढा करके उस गड्ढे के अंदर छुप के रहते हैं दिन भर, और फिर रात के टाइम जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। तो दे स्टे इन डीप होल्स इनसाइड द लैंड एंड कम्स आउट एट द नाइट तो दिन के टाइम पे वो कहाँ रहते हैं, बिल के अंदर होल करके रहते हैं, और रात के टाइम क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब डेजर्ट के प्लांट के बारे में हमको पढ़ना है, तो डेजर्ट में कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कैक्टस। कौन सा प्लांट देखने को मिलता है, कैक्टस। कैक्टस में जो लीव्स है बहुत कम होती है, इसमें बहुत लेस लीव्स होती है, पत्तियां क्या होती है, बहुत कम, और कहूं तो नो लीव्स। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनको अवॉइड करना पड़ता है ट्रांसपिरेशन। क्या अवॉइड करना पड़ता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द फिनोमिना ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज अ फिनोमिना ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब प्लांट से, प्लांट के पास जो भी पानी प्रेजेंट है वो क्या होता है, लीव से इवोपरेट हो जाते हैं। अब समर में डेजर्ट कंडीशन में क्या होता है, पानी तो वैसे ही कम होता है प्लांट्स के पास, तो ये प्रोसेस अगर होगी तो प्लांट तो पूरा ही सूख जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस वहाँ पे नहीं होती है। और क्या होता है, कैक्टस में जो लीव्स है ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, स्पाइंस में, कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, मतलब कांटे बन जाते हैं। दो चीज़ें हो गई कैक्टस प्लांट अपने आप को बचाने के लिए। और क्या करता है, कैक्टस प्लांट हैव थिक स्टेम। कैसा होता है इनका स्टेम, ठीक, जिसमें वो क्या करते हैं, वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं। इनके स्टेम में वैक्स कोटिंग भी होती है, क्या होती है, वैक्स की कोटिंग। इससे क्या होता है, वैक्स कोटिंग से जो सनलाइट है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, सनलाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लिखना है, इसी फीचर्स को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। इसी फीचर्स को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। अब हम पढ़ेंगे माउंटेंस के बारे में, माउंटेंस में कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन से ट्रीज होते हैं, उनके ट्रीज में क्या चेंजेस होते हैं, उनके एनिमल्स में क्या चेंजेस होते हैं, कि सो देट वो इतने ठंडे वाले टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेते हैं। इसको मैं रब कर दूं,
माउंटेंस, माउंटेंस में टेम्परेचर कैसा होता है? वेरी कोल्ड टेम्परेचर. क्या होता है? वेरी कोल्ड टेम्परेचर एंड इवन स्नोफॉल. वहाँ पर क्या होता है? स्नोफॉल भी होता है एट विंटर्स, मतलब बर्फ की गिरती है. ठीक है, माउंटेंस में बर्फ भी गिरती है. अब यहाँ पे इतना टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर तो माइनस डिग्री तक चले जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे एनिमल सर्वाइव करते हैं, कैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, यहाँ के प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं. कौन कौन से प्लांट हमने पढ़े थे? ओक ट्री, पाइन और क्रिसमस ट्री. तो आप सभी ने क्रिसमस ट्री देखा है. कैसा डायग्राम होता है क्रिसमस ट्री का? इस टाइप का होता है क्रिसमस ट्री आपका. तो क्रिसमस ट्री को ध्यान से देखो, इसका शेप कैसा है, क्रिसमस ट्री का शेप कैसा है? देखो, कॉनिकल शेप दिख रहा है, कॉनिकल शेप ऑफ द ट्री. कैसा है कॉनिकल शेप? मतलब कैसा होता है? ट्रायंगल का शेप, इस टाइप का शेप है. इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे बर्फ गिरती है, जैसे यहाँ पे क्या गिरती है आपकी? स्नो. तो स्नो यहाँ से ऐसा स्लिप होकर गिर जाएगा. अगर स्नो यहाँ पे रह गया तो क्या होगा? वाटर के कारण, स्नो के कारण ये जो लीव्स है ये क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी. इसलिए कॉनिकल शेप होता है, सो दैट जो आपका स्नो है, आइस और स्नो स्लाइड्स इजीली, वहाँ से क्या हो जाए? स्लाइड इजीली. इनके ओक और पाइन ट्री कैसा होता है ये देखिए. इस टाइप का ट्री कैसा होता है आपका? पाइन. इसकी लीव्स कैसी होती है? निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स. इसमें भी देखो, स्नो जैसे यहाँ पे स्नो गिरेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? स्लिप होके नीचे गिर जाएगा. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके किसकी? ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पर होते हैं आपके? माउंटेन्स में. अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में. इसको रब कर देता हूँ मैं. यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? यॉर्क, स्नो लेपर्ड. तो यॉर्क में क्या है आपके? वेरी लॉन्ग ईयर्स. क्या होते हैं इनको? वेरी लॉन्ग ईयर्स. हेयर्स क्या करते हैं? टेम्परेचर, जो बॉडी का हीट टेम्परेचर है, इसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देते, तो इनको क्या रखते हैं? गर्मी लगती है. स्नो लेपर्ड में क्या होता है? थिक फर कवर होता है, थिक फर कवर. और यहाँ के जो एनिमल्स रहते हैं, इनमें फैट डिपोजिशन रहता है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर में क्या रहता है? बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है, बहुत सारी चर्बी जमी रहती है, जिसको बोलते हैं ब्लबर. जिसको क्या कहते हैं? ब्लबर. इससे क्या होता है, जो भी टेम्परेचर है आपकी बॉडी का बाहर नहीं जा पाता है. ठीक है, तो ये चेंजेस हुए इनके. इसमें ज़्यादा हेयर्स रहते हैं, थिक बॉडी रहती है, चमड़ी इनकी मोटी रहती है, फैट का डिपोजिशन रहता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लबर. फ्लैट डिपोजिशन की इसकी बात किसकी कर सकते हैं? जैसे आपका बियर, पोलर बियर भी होता ही है, सेम ऐसा ही. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड के बारे में. ठीक है, माउंटेन्स हो गए, आप क्या पढ़ना है हमको? ग्रासलैंड के बारे में. ग्रासलैंड मतलब क्या होता है? ग्रासलैंड मतलब होता है घास के मैदान. यहाँ पे ट्रीज नहीं होते. यहाँ पे कैसे एनिमल्स होते हैं आपके? जिराफ, लायन, डियर. ठीक है, यहाँ पे सभी क्या होते हैं आपके? ग्रासेस. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ग्रासेस होते हैं. जैसे आपके कंपोज, वेलेंजुला में अलग अलग जगह पे क्या होते हैं? अलग अलग ग्रासलैंड के टाइप्स होते हैं. अब देखो, यहाँ पे दो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको लायन का और एक लेता हूँ डियर का. ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? जानी दुश्मन. लायन किसको खाता है आपका? डियर को. और डियर क्या करता है? इससे भागता है.
अब देखो गॉड ने क्या किया है, दोनों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। सबसे पहले लायन कैसा होता है आपका, लाइट ब्राउन कलर का, कैसा होता है लाइट ब्राउन कलर, क्यों होता है लाइट ब्राउन कलर का, येलो कलर का, राइट ब्राउन कलर या कैसा येलो कलर का, क्यों होता है, क्योंकि ये घास में छुप के बैठे रहता है, क्या करता है, बिकॉज इट हाइड इन ग्रासलैंड, और किसका वेट करता है, डियर का पास आने के लिए। इसी प्रॉपर्टी को मतलब आप सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर लेते हो अपने आप को, मतलब ग्राउंडिंग में बाहर कैसा है आपका, सपोज आपने देखा है गिरगिट कैमलियन, जैसी पत्ती होती है वहाँ पे उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन, पत्थर जैसे ब्राउन कलर का, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, अपने आप को ब्लेंड कर लेता है, छुप जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैमोफ्लॉज, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैमोफ्लॉज, ठीक है। और ये कैसा एनिमल है आपका, कार्निवोरस एनिमल है। अब जो डियर है, अगर डियर के पास ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो इसको लायन से बचाएगा, सबसे पहले ये वेरी फास्ट रन करता है, वेरी फास्ट रन करता है, और क्या होगा इसके पास, इसके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं, जो वो छोटी सी भी मूवमेंट जो होती है, छोटी सी भी नॉइज़ जो होती है, उसको क्या कर लेता है, लिसन कर लेता है। अगर सपोज छोटा सा भी इसने मूवमेंट किया, कुछ भी इसने आवाज़ निकाली, तो ये क्या हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा और भाग जाएगा। और क्या होता है इसके पास, इसका देखो ऐसा शेप रहता है ईयर का, ऐसे एंटीलोप्स रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीलोप्स मतलब सिंह। इनकी जो आइज रहती है वो साइडवर्ड होती है, इनकी आइज कैसी होती है, ऐसी साइडवर्ड, मतलब चेहरे के दोनों तरफ, हमारी आंखें कैसी होती है, सामने होती ना, इनकी आंखें यहाँ पर और यहाँ पर होती है। इससे क्या होता है, ये पूरा एंगल देख लेते हैं, आसपास का पूरा मैदान क्या करते हैं, देख लेते हैं। इनके स्ट्रांग टीथ होते हैं, इनके टीथ कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग टीथ। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या खाते हैं, आपके प्लांट के लीव्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, तो इनकी जो टीथ होती है वो कैसे होते हैं, घास चबाने के लिए, स्टेम को चबाने के लिए इनके टीथ कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो ग्रासलैंड समझ में आया, ग्रासलैंड में क्या होता है। अब एक चीज़ हमको याद रखना है, जो सबसे बड़ा जानवर जो सबको खाता है, जैसे लायन किसको खा रहा है, डियर को, लायन और किसको खाएगा, काऊ को, लायन किसको खाएगा, बफेलो को, ऐसा जानवर जो सबको खाता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। क्या कहते हैं उसको, प्रीडेटर, और वो जिसको खाता है उसको कहते हैं प्रे। अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रीडेटर क्या होगा, ऐसा एनिमल जो शिकार करता है, ऐसा एनिमल जो क्या करता है, शिकार करता है, इसको क्या कहते हैं, प्रीडेटर, और जिसका शिकार हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रे। ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे सम अदर हैबिटेट, किसके बारे में पढ़ेंगे, सम अदर हैबिटेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओशियन के बारे में। ओशियन मतलब क्या होता है, समुद्र, सॉरी ओशियन मतलब होता है महासागर, सी मतलब होता है समुद्र। ओशियन में हमने क्या पढ़ा था, आपकी फिश होती है, फिश की बॉडी कैसी होती है आपकी, स्ट्रीमलाइन, कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, और इनके पास क्या होते हैं, गिल्स, इनके पास क्या होते हैं, गिल, जिससे ये क्या करते हैं, यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। अब हमको वो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जिसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, जैसे ऑक्टोपस, आपने देखा है ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस की बॉडी कैसी है, चलो थोड़ा सा फनी बनाते हैं, ये है हमारा ऑक्टोपस हंसने वाला, ठीक है। ऑक्टोपस की बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, स्ट्रीमलाइन शेप कैसे बताया था मैंने आपको, कार का डायग्राम बना के बताया था ना कल, इस टाइप का शेप, जिससे क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर निकल जाना चाहिए, एयर निकल जाना चाहिए, इसकी बॉडी तो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, नो स्ट्रीमलाइन बॉडी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, डीप इन द ओशियन, कहाँ मिलते हैं, डीप इन द ओशियन। अब देखो ये कैसे करते हैं, ये कैसे जानवर को पकड़ते हैं, अलग फिश को पकड़ते हैं, ये सबसे नीचे शांत बैठे रहते हैं,
अब जो भी इनके पास आता है फिश या जो भी क्रैप आए जो भी लॉबस्टर आए उनको क्या करते हैं अपने लेग से पकड़ लेते हैं और फिर इसको खा लेते हैं, ठीक है। और जब ये मूव करते हैं, मूव दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, वो अपनी बॉडी को कैसे बना लेते हैं स्ट्रीमलाइन, मतलब ये सभी जो पैर है ये सभी पैर को क्या करते हैं आपस में चिपका लेते हैं और फिर पूरी बॉडी कैसे होगी स्ट्रीमलाइन, फिर पुश करते हैं अपनी बॉडी को, फिर आगे क्या करते हैं स्विम करते हैं, ठीक है, आया समझ में। ओशन में क्या करते हैं, अब हमको कुछ एनिमल्स के बारे में और पढ़ना है जिनके पास गिल्स नहीं होते, जिनके पास गिल्स नहीं होते, जैसे डॉल्फिन। डॉल्फिन तो सबने देखा होगा, डॉल्फिन क्या है हमारी, डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। डॉल्फिन कैसी है हमारी, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरी कौन सी है आपकी, व्हेल। व्हेल मछली तो आपने सुना है, व्हेल मछली, ब्लू व्हेल मछली, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट क्रिएचर, सबसे हेवी क्रिएचर है, इससे बड़ा क्रिएचर हमारे अर्थ में नहीं है। अब आप ये मत कहना कि सर गॉडज़िला भी है, गोरिल्ला भी है, किंग कॉन भी है, वो सब आपके हाइपोथेटिकल है, मूवीज में दिखाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है आपका प्रेजेंट, आपका व्हेल। इनके पास गिल्स नहीं होते, इनके पास गिल्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव गिल्स, दे डू नॉट हैव गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं है। तो इनके पास क्या है, इनके पास है नोस्ट्रिल्स, इनके पास क्या है नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, और इसी को क्या बोलते हैं ब्लो होल्स, इसको क्या कहते हैं ब्लो होल्स। जैसे हमारे नोज है ना, नोज में ये दो छेद है, इसको क्या बोलते हैं नोस्ट्रिल, वैसे ही व्हेल में और डॉल्फिन में भी क्या होते हैं, हेड के अपर पार्ट में, कहाँ पर होते हैं ये, अपर पार्ट ऑफ द हेड, अपर पार्ट ऑफ द हेड, हेड के अपर पार्ट में क्या होते हैं आपके नोस्ट्रिल और बैक होल्स। तो ये क्या करते हैं, ऊपर हवे आसमान में आते हैं, थोड़ा सा पानी से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कहाँ आते हैं डीप ओशन में चले जाते हैं और फिर कुछ टाइम तक ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, स्विम करते रहते हैं। तो आपने देखा वो डॉल्फिन को बार बार ऐसा पानी के ऊपर ऐसी आती है, फिर स्विम करती है, फिर बार बार ऊपर आती है, फिर स्विम करती है। वो बार बार ऊपर क्यों आती है, हमको दिखाने के लिए, जंप करने के लिए नहीं, वो किसके लिए आती है ऑक्सीजन के लिए। वैसे ही व्हेल मछली एक बार आती है, सांस लेती है, फिर अंदर रहती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर बाहर निकलेगी, स्विम करेगी और फिर अंदर चली जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हैबिटेट में लास्ट बचा है आपका पॉन्ड एंड लेग्स। पॉन्ड एंड लेक्स, पॉन्ड मतलब क्या होता है तालाब, पॉन्ड मतलब क्या होता है तालाब, लेक्स मतलब क्या होता है आपका झील। इनको समझने से पहले मैं एक वर्ड लिखता हूँ, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कहाँ ग्रो करते हैं आपके लैंड में, उसको क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, क्या कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट में जो प्लांट्स रहते हैं इनकी रूट्स कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रूट्स कैसी होती है, वेरी स्ट्रांग। क्यों, क्योंकि इनको सॉइल को पकड़ के रखना है। ये इनकी रूट्स कैसी होती है, बहुत लूज, और इनका जो स्टेम होता है, स्टेम कैसा होता है इनका हॉलो, कैसा होता है हॉलो, मतलब अंदर से खाली, और कैसी होती है पूरी सॉफ्ट, कैसी होती है सॉफ्ट। इसमें जो कुछ प्लांट्स होते हैं ये होते हैं आपके फ्री फ्लोटिंग, कैसे होते हैं फ्री फ्लोटिंग, मतलब ऊपर पानी में तैरते रहते हैं, जैसे लोटस, एग्जांपल किसका है आपका लोटस प्लांट। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके सबमर्स्ड, सबमर्स्ड का मतलब होता है आपका पानी के अंदर डूबा हुआ, सबमर्स्ड का मतलब क्या होता है पूरा प्लांट क्या रहता है पानी के अंदर डूबा हुआ, जैसे हाइड्रिला, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका हाइड्रिला प्लांट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट के एग्जांपल क्या सकते हैं एनिमल्स के, कोई भी प्लांट जैसे नीम का है, रोज का है, ये सभी प्लांट किसके हैं आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के। एनिमल कौन से होंगे इसमें, लॉयन, डियर, जिराफ, गोट,
एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होंगे आपके, डॉल्फिन, व्हेल, ठीक है। तो आज हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, आज हमने क्या करा, माउंटेन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, माउंटेन के प्लांट्स कैसे होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, फिर हमने क्या करा, उसके बाद हमने जो रेट और स्नेक थे आपके डेजर्ट के एनिमल्स, उनकी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने अदर हैबिटेट्स ओशियंस के बारे में पढ़ा, हमने ऑक्टोपस के बारे में जाना, हमने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा, हमने व्हेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने पॉन्ड में एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो अब इसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इसके बाद में लेक्चर नंबर 3 में होगा। तो अगर आपको इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी तुषार सर का विज्ञान, उसको फॉलो करिए, वहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू, खूब मन ला के पढ़ो और आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, मैं यही दुआ चाहता हूँ। थैंक यू।